नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास दुआ है और मेरे साथ आज डॉक्टर मानसी सचदेव हैं। हम दोनों मिलकर यहाँ पर बच्चों के ब्लड की परेशानियाँ, बच्चों के कैंसर और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में काम करते हैं, जिस अस्पताल का नाम फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि बच्चों की ब्लड की परेशानियाँ क्या होती हैं। तो बच्चों की ब्लड की परेशानियाँ यानी लो हीमोग्लोबिन, जिसको एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा आपका अगर हीमोग्लोबिन हाई हो, इसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। इसके अलावा आपके व्हाइट सेल्स कम हो जाएं या व्हाइट सेल्स बढ़ जाएं, आपके प्लेटलेट की मात्रा शरीर में कम हो जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए या प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी बोन मैरो खराब हो जाए, जिसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो ये मैं मोटा मोटा तौर पर आपको बताया कि ब्लड की क्या परेशानियाँ एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट बच्चों की एज में देखता है। और डॉक्टर मानसी आपको बताएंगी कि इसके अलावा बच्चों के कैंसर, जो हम एक और चीज़ हम देखते हैं, वो किस प्रकार के बच्चों के कैंसर होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उनका कैसे निवारण किया जा सकता है। तो सबसे कॉमन जो बच्चों का कैंसर होता है उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं या लुकीमिया बोलते हैं। तो ये तो इसके अलावा ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर बच्चों में हो सकता है, किसी भी साइट का, किसी भी ऑर्गन का ट्यूमर हो सकता है, बोन या सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर हो सकता है या लिम्फ नोड्स के ट्यूमर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों में देखते हैं, ये सब कैंसर हम बच्चों में देखते हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत अनिवार्य है कि ब्लड कैंसर जो मोस्ट कॉमन प्रकार का कैंसर है, उसके अलावा सेकेंड मोस्ट टाइप का कैंसर ब्रेन ट्यूमर होता है। ये बहुत रेयर चीज़ हमें लगेगी, बट ये रेयर नहीं है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप इज ब्रेन ट्यूमर्स। देन तीसरा जो प्रकार का है उसको लिम्फोमा कहते हैं। चौथे प्रकार को किडनी का ट्यूमर कहते हैं, या बोन ट्यूमर हो सकते हैं, या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स हो सकते हैं। एक और टाइप का कैंसर होता है न्यूरोप्लास्टोमा। तो इस तरह के ट्यूमर्स आज आप समझ लीजिए कि आपके किसी परिवार में या पड़ोस में या किसी जानकारी में किसी को है, तो एक बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना है। तो हम बात करें, अमूमन बच्चों की ब्लड की परेशानियाँ या कैंसर का इलाज हम दवाइयों से कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में भाई बहन एक फुल मैच डोनर बन सकते हैं और वो ऑप्शन हमारे परिवार में अवेलेबल नहीं है। तो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स, क्योंकि रजिस्ट्रीज आ गई हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, वो ऑप्शन नहीं है। तो नाल के बच्चा पैदा होता है तो नाल के ब्लड से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। अदरवाइज हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट्स माता पिता को लेकर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है कि ट्रांसप्लांट बच्चे का है तो बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में 6 डॉक्टर्स जो सिर्फ बच्चों के ट्रांसप्लांट में काम कर रहे हैं उपलब्ध हैं, 20 बेडेड ट्रांसप्लांट यूनिट है और इस तरह की बीमारियों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो हिंदुस्तान से और विदेश से ट्रेंड होके आए हैं। सो मैं और डॉक्टर मानसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और हमारी टीम में और भी लोग हैं। तो प्लीज़ आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ निसंकोच होके हमें आप संपर्क कर सकते हैं।